Assalamualaikum, मैं हूँ अदील शाहिद और इस टाइम मैं हूँ शाही साइकिल हब पे गुलबर्ग मेन मार्केट और मैं कुछ आपको आज साइकिल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बिगनर्स होते हैं जिन्होंने साइकिल स्टार्ट करनी है तो वो उनको कौन सा साइकिल परचेज करनी चाहिए। ये जी साइकिल है जो है जायंट की है हाइब्रिड। इसमें तीन लेवल की साइकिल होती है, एक होती है हाइब्रिड, एक होती है माउंटेन बाइक और एक होती है रोड बाइक। अब ये तीनों साइकिल के पर्पस क्या हैं वो उसके बारे में बताऊंगा। जो हाइब्रिड होती है वो सोशल राइड के लिए, जिसने 30-40-50 किलोमीटर चलानी हो उसके लिए बेहतर है, और माउंटेन बाइक होती है जो ऑफ रोड के लिए और जो माउंटेन्स के लिए हमने जाना हो, और जो होती है रोड बाइक वो यूज होती है जो स्पीडी बाइक होती है और जिसने ज्यादा किलोमीटर जो कवर करने हो वो उसके लिए होती है। और मैंने मोस्टली लोगों को देखा है वो लेते हैं माउंटेन बाइक और चाइनीज साइकिल। उनसे बेहतर यही है कि जो अमेरिकन ब्रांडेड साइकिल होती हैं वो बेहतर होती हैं, वो चलने में कंफर्टेबल होती हैं और बॉडी के लिहाज से आपकी बॉडी कंफर्टेबल होती है और आप साइकिल एंजॉय करते हैं चलाते हुए। और जो लोग साइकिल लेते हैं लेने से पहले हाइट के मुताबिक हाइट लाजमी देख लें। हर इंसान के लिए एक डिफरेंट साइकिल बनी होती है हाइट के मुताबिक। जिसकी 5 feet है उसके लिए डिफरेंट साइकिल है, जिसकी 5'5" है उसके लिए डिफरेंट है, जिसकी 6 feet है उसके लिए डिफरेंट है। इसलिए साइकिल लेने से पहले इस चीज का खास ख्याल लाजमी रखें। और इसकी ये देखें जी, जरा पास देखना आपको इनको साइकिल दिखाएं। इसकी प्राइस है 42,000 जायंट की। इसके पार्ट्स भी साइकिलें 30,000 की भी हैं, 25 की भी हैं, वो जैसे जैसी क्वालिटी होगी वैसे वैसी प्राइसेस होंगी। अब जायंट पे 35 की भी होती है, 30 की भी होती है, लेकिन उसमें काफी उसका सामान चेंज किया होता है। और मैं और सबसे रिक्वेस्ट ये है कि चाइनीज साइकिलें जो ब्रांड न्यू है वो 25,000-30,000 रुपए की होती है, 35 की भी मिल जाती है, लेकिन वो एक महीने के बाद आपका शौक खत्म हो जाता है। मैंने तो अभी तक जिन लोगों को देखा है जिन्होंने चाइनीज ली है वो साइकिल महीने के बाद छत पर है या कोई आपका वर्कर चला रहा होता है। तो इसलिए मैं चाइनीज साइकिल रिकमेंड नहीं करता। बेशक ब्रांडेड लें, 20,000 वाली ले लें वो बेहतर है, लेकिन चाइनीज बना जाए। और एक बात जो बड़ी अहम बात मैं करना चाहूंगा कि अभी जो लोग अपने जो है अभी पैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर, जो मैं आपको एक मेन बात ये करना चाहूंगा कि अगर जो लोग अभी अपने बाइसाइकिल में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कि वो चेक करना चाहते हैं कि साइकिल कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आपके लिए मैं रेंटल साइकिल भी लेकर आया हूं। आप 1 week के लिए रेंट पे साइकिल लें, उसको चला के चेक करें कि आपके हाइट के मुताबिक साइकिल बेस्ट है, तो फिर परचेज करें। ये भी ऑप्शन है कि आप 1 week या 2 days ले लें, 3 days ही ले लें, आपको पता चले कि आपको साइकिल लेनी कौन सी है, चलने में कंफर्टेबल कौन सी है। और जो अगर आप न्यू साइकिल भी लेते हैं कुछ चाइनीज, चलने में 2-4 kilometer चलाएंगे आपको अच्छी लगेगी, लेकिन असल साइकिल का पता चलता है कोई 30-35 kilometer के बाद जाके। और अब जो हमारी संडे को सोशल राइड होती हैं, उसमें मोस्टली सबके पास हाइब्रिड होती हैं। अगर आप माउंटेन बाइक ले लेते हैं, माउंटेन बाइक में ये होता है कि अगर हमारी कोई राइड है 35-40 kilometer की, जो हाइब्रिड वाले हैं वो आगे पहुंच जाते हैं और जो माउंटेन बाइक वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि माउंटेन बाइक के टायर थोड़ा चौड़े होते हैं, वो साइकिल चलने में थोड़ा पावर लेती है और वो थोड़ी स्मूथनेस नहीं उसमें होती माउंटेन बाइक में, क्योंकि माउंटेन बाइक का जो मकसद होता है, जो माउंटेन बाइक है उसके टायर थोड़ा चौड़े होते हैं। ये दिखाओ जरा, ये माउंटेन बाइक ही है, जो माउंटेन बाइक है इसके टायर चौड़े हैं और इसका जो मेन जो पर्पस है वो है ऑफ रोड। हमारे लाहौर में ऑफ रोड वाली रोड बहुत कम है। हाँ, कभी हमारी जो राइड होती है बीआरपी की राइड हो गई और शरकपुर की हो गई, जो भी ऑफ रोड है उनके लिए बेहतर है, लेकिन लाहौर के लिए जो बेस्ट साइकिल है वो हाइब्रिड है। तो अपनी अगर आप चाहते हैं कि आगे लॉन्ग टर्म में साइकिल चलानी है तो उसके लिए हाइब्रिड साइकिल बिल्कुल बेस्ट है। हाइब्रिड के अलावा